हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक। निष्पक्षता से, निडरता से राज्य। माला मुकुंदमाचार्य जी महाराज ने संतों के साथ मिलकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा मंदिर पुजारियों एवं संतों को नोटिस जारी कर प्रताड़ित करने पर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। माला मुकुंदमाचार्य जी महाराज जयपुर अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष स्वामी श्री बाला मुकुंदाचार्य जी महाराज हाथोज धाम एवं सभी धर्माचार्यों की तरफ से आज महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को शासन प्रशासन के द्वारा मंदिर पुजारियों एवं संतों को नोटिस जारी करने को लेकर ज्ञापन दिया। स्वामी श्री बाला मुकुंदाचार्य जी महाराज हाथोज धाम ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से चार दीवारी क्षेत्र पर कोटे से हिंदू पलायन कर रहे हैं। हिंदू मंदिर मठ आश्रम उनको खंडित कर दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया, मंदिर बगीचियों को कचराघर बना दिया गया और कई स्थानों पर पुजारियों की हत्या भी कर दी गई, हत्यारे छूट दी गए। अखिल भारतीय संत समिति निरंतर उन पुराने स्थानों को खोजने और उनके लिए वहां के स्थानीय प्रशासन को पुलिस को अधिकारियों का अवगत कराने का कार्य कर रहा है। इस कार्य को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा मंदिरों के पुजारियों संतों को नोटिस दिए जा रहे हैं। पाबंद करने के लिए रोक लगाने के लिए प्रशासन दबाव बना रहा है और स्थिति यह है कि अपने आश्रम धाम स्थान से निकलते ही पुलिस पीछे लग जाती है। जहां जाते हैं वहां पुलिस पहुंच जाती है। शहर पर कोटे में प्रवेश करते हैं पुलिस वाले वहां रोक देते हैं, वापस वहां से गाड़ी लगाकर वापस अपने स्थान पर छोड़ देते हैं। ये निरंतर कुछ दिनों से चल रहा है। पुलिस प्रशासन पुजारियों एवं संतों को प्रताड़ित कर रहा है। इसी को लेकर अखिल भारतीय संत समिति ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर कहा कि आप इस मामले में संज्ञान लीजिए और हमारी बात राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाइए। हमें किस तरीके से हमारे देवी देवता, हमारे हिंदू मंदिर, सनातनियों के स्थान, उनकी रक्षा करना, उनका बचाव करना, उन्हें खोजबीन करना, ऐसे 100 से ऊपर स्थान है पर कोटे में जिन स्थानों को खुर्द बुर्द कर दिया गया है और उनकी दयनीय स्थिति है। मौके पर जाकर आप स्वयं देख कर आए। हम तो इतना चाह रहे हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग करे, इन मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए हमारी मदद करे। बस हम चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन हमें नोटिस देकर इस मामले को दबाना चाह रहा है। सांगानेर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। आज हमारे राज्यपाल महोदय को हमने निवेदन किया है और एक ज्ञापन दिया है। पिछले कुछ महीनों से अखिल भारतीय संत समिति, राजस्थान के सभी संत, हम लोग परकोटे में जो प्राचीन मंदिर हैं, आश्रम है, मठ है और उनकी जो जमीनें हैं वो किस प्रकार से कुछ विधर्मियों ने तोड़फोड़ कर दी, मूर्तियों को तोड़ दिया, आश्रम की जो भूमि है उसको खुर्दबुर्द कर दी और कई जगह तो मदरसों का निर्माण चल रहा है। ये बहुत बड़ी पीड़ा थी। हम किसी को परेशान करते नहीं और कोई हमें इस तरीके से अगर परेशान करेगा तो वो उचित नहीं है। और धर्म स्थलों को ख़राब कर देना, तोड़ देना, उनको पेशाब घर बना देना, ये बहुत पीड़ा का विषय था। पूरे संपूर्ण परकोटे के सभी विधानसभाओं में ये स्थितियाँ बनी हुई है। हम मौके पर जाते हैं और लाइव दिखाते हैं और क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग वहाँ रह रहे हैं और कैसे मंदिरों को तोड़ा है, ये भी हम लोग बताते हैं। हमने मीडिया का सहारा लिया और मीडिया के माध्यम से बताया। उसका रिजल्ट क्या आया कि हम सनातनियों के स्थानों को बचाने के लिए जब निकले तो हमारे को नोटिस जारी हो गए। तो हम लोगों को कुछ को तो नोटिस जारी हुए, राजद्रोह का केस उस पर लगाया गया है। स्थिति यह है कि जब आश्रम से निकलते हैं तो बाहर हमारे आश्रम के बाहर एक पुलिस की गाड़ी पहले से खड़ी होती है। कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो निगरानी रखती है पूरी। और वो महोदय जहाँ हम जाते हैं वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। ये लगातार पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। और रात्रि को अगर कहीं किसी सत्संग में जावें, कोई कीर्तन में जावें, कहीं भी जावें तो रात्रि को वो गाड़ी वहाँ से लेके आती है और हमें वापस हाथों छोड़ के जाती है और वहीं खड़ी हो जाती है। अगर आप अंदर नहीं गए तो स्थितियाँ ऐसी बना दी गई। हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, धर्माचार्य लोग हैं, अपने सनातन की संपत्ति को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और मौके पर दिखा रहे हैं। कोई अपनी मर्जी से नहीं, मौके पर दिखा रहे हैं कि साहब ये देखिए इस स्थान की संपत्ति है, ये मंदिर है, कैसे मूर्तियां तोड़ दी गई है। पहला केस था मालियों की कोठी और वहाँ मालियों की कोठी पर बालाजी का मंदिर तोड़ा, शिव जी का मंदिर तोड़ा, मंदिर को खुर्द-बुर्द कर दिया, कचरा घर बना दिया, 5-5, 6-6 फीट गंदगी उसमें भरी पड़ी है। आज तक उसको कोई साल संभाल नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई हमें कोई सूचना नहीं, बल्कि हमें पाबंद किया, राजद्रोह का केस लगा के हमारे को ऐसे नोटिस जारी कर दिए। किस प्रकार का हमारे यहाँ कोई अत्याचार कर रहे हैं। हम कोई कराची में खड़े हैं,
हम लोग अपने भारत भूमि में सनातनियों की भूमि में खड़े हैं और यहीं पर अपने मंदिरों की बात नहीं कर सकते। किस प्रकार का अत्याचार है ये, यहाँ जितने भी और खड़े हैं इनके अलावा और भी महात्मा हैं, पुजारी हैं, जिनको नोटिस जारी किया, वो नोटिस कहाँ है? उस नोटिस में इनके मंदिरों में कोई उत्सव वगैरह ये करेंगे, कोई धार्मिक उत्सव करेंगे और कोई भी उत्सव करेंगे उसमें कोई बात हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी इनकी खुद की होगी, इन पर कार्रवाई करेंगे। यानी उत्सव बंद कर दो, मंदिर में धर्माचार्यों का आना बंद कर दो और परकोटे में हमारा जाना बंद कर दो। ये क्या बात हुई? ये ऐसा तुष्टिकरण का बताए, ये देखिए आप, सबको नोटिस आ रहे हैं, मेरे अकेले का नहीं, सबको नोटिस आ रहे हैं। मेरे को राजद्रोह का है, इन महाराज जी को आ गया, इनको आ गया, इनको आ गया, हम सबको आ रहा है। तो ये कहाँ तक उचित है? तो